वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं लगता तुम मैं उन्होंने कोट पवाओगे। देखो श्री अखंड पाठ साहब करना आ, मैं ये खिलाफ नहीं हाँ, पर सुनने वाले भी तो हो, सुनने वाले भी तो हो। भाई कान सिंह नाभा ने लिखा आ, भाई हीरा सिंह सी नाभा रियासत दे, तो एक दिन कहें भी कोई ऐसा सिख हैगा जरा सानू खंड पाठ सुनावे इको चौंकड़े च, तो मैं उन्होंने नाम हूँ भुल गया, बुढ़ा हो गया यार। तो वह एक ग्रंथी सीगा, तो वह कहता लियाना कितों है, मैं सुना दिना। तो वह कहते चलो इनान करके आओ, इनान करके आ गए। तो कहते पर मेरी शर्त है मुँह जबानी सुनाना सारा। तो कहते कोई नहीं, चौंकड़ा ला लिया सारा, उन्होंने अखंड पाठ साहब सुनाया, भाई साहब ने सुनया। तो फिर उन्होंने आप पालकी मंगाई सोने की, पालकी चो सिंह छड़ के वो घर छड़न गए, तो आप मोढ़ा दिता पालकी। हुण सुनने वाला होए, सुनाण वाला होए, खंड पाठ साहब करो, भगती करो। पर जरा हुण चल रहा है फिर बाणी पढ़ लो, उ बाणी पढ़ते ने, माया कारण विद्या बेचे जन्म बिरथा जाई। हुण माया लई पंडित, पंडित कहिंदा आ तेरे लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सिख कहिंदा आ ले तेरे लिए मैं खंड पाठ करते हैं, सहज पाठ करते हैं, आ तेरे लिए मैं सुखमनी साहब पढ़ते हैं। फर्क की रह गया दोनों च, वो कहिंदा मैं हनुमान चालीसा पढ़ देना, कहिंदा मैं सुखमनी साहब कर देना। फर्क ही रह गया, वो पैसे लैके हनुमान चालीसा पढ़ता है, असी पैसे ला के खंड पाठ करते हैं। तो मेरा थोड़ा जहा स्पष्ट है, मैं ये जड़े बिना सोचे समझे खंड पाठ करने, गुरु बोले कोई सुने ही ना, ये बहुत महान बेअदबी है। और इस बेअदबी का असी सारा सिख पंथ हरजाना भुगत रहे हैं। मैं नहीं कहता ना कराओ, कराना है, तुम पैसे दे के भी कराने कराओ, कोई गल नहीं। पर तुहानू हक आ, मैं तो एक गल पुछता हुंदा भी तुम कितने स्टोर से सौदा लैन जाते हो, तो सौदा उत्थे छड्डे आउंदे हो, पैसे दे के तो सौदा छड्डे आउंदे हो कि लैके आउंदे हो? तुम स्टोर से जाओ, पैसे दे के सौदा लैके आउंदे हो ना घर, तो इत्थे तुम खंड पाठ के पैसे देते सौदा कोई लिया ही नहीं, पैसे दे के घर नू चल गए। जे तुम पैसे दिते तो मरो, तो सुनो बह जाओ, जिस प्यारे सुनो तो सागे मर चलीए, त्रिक जीवन संसार तांके पाछे जीवना, जे प्यार है तो फिर बह। तो गुरु नू घर सद्या, तो गुरु की गल सुन, गुरु नू कह सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे परिवार से आ मुसीबत बनी है, मैनू तुसी अपनी बाणी सुनाओ, बह फिर उत्थे। तो हुणे हुण आ मैनू कल ही मेरे रिश्तेदारां दा फोन आया सी, वो बाहरों गए ने, तो उत्थे साडे पिंड एक डेरा नाल ही बेगवाल दे विच, ते उत्थे खंड पाठ रखाया जी, खंड पाठ की रखाया 7500 रुपया लै लिया। तो जदों वो गए प्रकाश कोई नहीं, थले प्रकाश आ, खंड पाठ पता नहीं कितने हुंदा पिया, थले वाले तो कोई खंड पाठ नहीं होना, उत्थे खड़े होकर अरदास करती वी इन्हां दा भाई साहब दा खंड पाठ शुरू करना जी। आवाज़ पता नहीं कितों आ रही है, टेप लाई है कि की लाया है, पांच पौड़ियां सुना के फतेह बुलाती। तो उन्होंने कहिंदे जाओ तुसीं हुण भोग वाले दिन आ जाओ, जो भोग वाले दिन आए उदों भी नहीं दिखाया खंड पाठ कितने हुंदा पिया, उदों भी वो जिहड़ा थले सीगा महाराज दा प्रकाश उहदे अगे खड़े होकर नौवें महल्ले दे सलोक, उत्तों कितों आवाज़ आ रही है, पता नहीं टेप लाई है, पता नहीं कौन है, नौवें महल्ले दे सलोक पढ़ दिते, थले खलो के अरदास करती जी तुहाडा खंड पाठ संपूर्ण हो गया, जाओ घर नूं। हुण की होया है, खंड पाठ होया है, की लाभ होएगा खंड पाठ कराने वाले नूं? ये लुट पाठ आ, ये लुट पाठ आ, खंड पाठ नहीं, ये लुट हो रही है भोले भाले सिखां दी। तो ये बंद होनी चाहिए है। हाँ जे तुसीं अखंड पाठ रखाया कोल बह के सुनो, और जिहड़े सुनाण वाले ने फिर आप ही हट जाएंगे, जो बोलना पिया सुनाना पिया उन्होंने भी फिर आप ही समझ लगेगी। तो उहदे नाल चंगा है सहज पाठ रखो अपने घर च, ते किसी नूं किसी गुरमुख प्यारे नूं तुसीं जे सुनना भी है कोई गल नहीं, तुसीं नहीं पढ़ सकते किसी कोल करवा लो, कोई कोई नहीं पाप नहीं लग चला करवा लो, पर कोल बह के सुनो गुरु की गल, तो फिर उन्होंने दूजा। हुण अज जिहड़े खंड पाठ हुंदे ने, हाए की कहां मैं, हुण घर पहला खंड पाठ खा लिया, फिर खंड पाठ महाराज नूं छड्ड आए गुरुद्वारे, फिर उस घर च शराबां पीतियां, तो मसा रंगड़ की करता सी, मसा रंगड़ की करता सी, मसे रंगड़ ने की किया सी, गुरुद्वारे चों हरिमंदर साहब चों गुरु ग्रंथ साहब चक दिता, उत्थे बह के उन्हें शराब पीती, कंजरियां ने चाहिया, बीबियां ने चाहिया, सिखा ने उहदा सिर वड़ दिता। असी की किया, घरों गुरु ग्रंथ साहब चक के गुरुद्वारे छड्ड दिता, तो वह तो लोगों दियां नचांदा सी, तुसीं अपनियां ही नचांदे हो तीआं भैणां, उह तों भी एक स्टैप अगे निकल गए सिख। तो की है, की है, किहड़ा खंड पड़िया, घर गुरु ग्रंथ साहब आया हुए, घर गुरु नानक साहब आए होण, ये हो सकता है? उदा ही मूँह नाल कही जाते हैं गुरु मान्यो ग्रंथ, कितने मनिया सी? तो जे गुरु ग्रंथ साहब गुरु मन भी लिया हो ना, गुरु ही मनिया, गुरु की एक भी नहीं मनी गल, गुरु ग्रंथ साहब गुरु मनन नाल नहीं बननी, गल बननी है गुरु ग्रंथ साहब की सिक्ख्या मन के ते उत्ते चल के बननी है। तो ये जड़े ने जिन्हें भी पाठ, कई तरह के पाठ शुरू हो गए ने, पता नहीं कितों आई है मर्यादा,
है ना। असी तो जदों का मैं जमया वा साढ़े घर से कोई मर्यादा नहीं सी, सहज पाठ जो साढ़े घर होंगी सी घर च होना कोई कोई होना सहज पाठ रखना आसे पास के पिंड वाले भी सुन आते होंगे जो मैं बच्चा सी। प्यो ने भी मैं पुछता रहा तुम कभी खंड पाठ रखाया से, वह भी कहना होंगे साढ़े तो कितने कबीले च ही नहीं सी खंड पाठ। तो पता नहीं है कितों मर्यादा चली, मैनू तो इदा लगता जिदा जो सिंह जंगा युद्धा च रेंदे सी ना, तो उन्होंने छे छे महीने साल साल बाद कदे गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप कित मिल जाना, तो जो वर्खा रुत्त आनी तो फिर उन्होंने थोड़ा जा टाइम मिलना, फिर उन्होंने सारे इकट्ठे बैठ के उत्थे खंड पाठ करना, तो उन्होंने सारे ने बैठ के सारी बाणी सुननी। उत्थों ये थोड़ी बहुत मर्यादा मैंने लगता जिदा चली होगी, पर हुण ये ब्रह्म रीति बन गई है। फिर होर भी चल गए ने हुण तां संपट पाठ, फिर एक 7 दिन वाला संपट पाठ, फिर एक 28 दिन वाला संपट पाठ, फिर एक 25 सिंह वाला अखंड पाठ, एक 50 सिंह वाला अखंड पाठ। पता नहीं असं कितने जाके रुकना महाराज जाने। तो महाराज की कह रहे हैं ये बाणी जो जीओ जाने तो संत रवे हर नामा। तो ये बाणी तो जाननी सी जीव ने जीवात्मा ने, साची बाणी मीठी अमृत तार जिन पीती तिस मुख द्वार। ये तो पीनी सी सिख ने, ये तो पंक्ति पंक्ति करके सिख ने आप पीनी सी, फिर वह जीवन बदलना सी। तो महाराज करे साड़ी कौम समत बख्शे, ये जरा गुरबाणी आ ये वेचण वास्ते नहीं है, ये धंधा नहीं है। जदों भी कोई धर्म धंधा बनेगा वो धर्म नहीं रहेगा, वो धंधा बन जाएगा। तो धंधा करद्या नेफल जन्म गवाया, सुखदाता मन न उसाया। मैनू नहीं पता किसी नूं किद्दां लगे, पर जो मैनू लग रहा ये सारे पाठ धंधा ने। हाँ धंधा छड़ दिओ तो गुरबाणी पढ़ी जा रही है तो उन्हूं सुनो, तो फिर सुन के उन्हूं अपने जीवन में अपनाओ, फिर ये धंधा नहीं, फिर ये अखंड पाठ का मुल होएगा, कीमत होएगी, जीवन दिता है, फिर ये अखंड पाठ नहीं रहेगा, ये भगती बन जाएगा। तो अखंड पाठ जो करना है तो भगती लिए करो, आ नहीं है भी मेरे मुंडे का विआह है तो अखंड पाठ करवाना जी, तो मेरी कुड़ी वो चाहिए जी, तो मैं यूनिवर्सिटी जाना जी, तो मैं इंडिया में जाना जी, तो मैं इधर जाना जी, मैं अखंड पाठ करा जी, ये सारा फिर धंधा है। तो धंधे धंधे तो फिर कुछ निकलना नहीं है। तो महाराज कृपा करे धंधे चो तो यही निकलना कोई, जिमें फिर हूँ फिर नवे नवे अखंड पाठ होर दे देंगे तुम्हें, होर नवे नवे कोई 100 वाला, जिम्मे हूँ 25 सिंह वाला, फिर कोई नवा बंदा आ जाएगा कोई 100 सिंह वाला अखंड पाठ करना है ना, कोई 50 वाला करता, कोई 50 वाला करता, कोई 100 वाला करता, कोई 7 दिन वाला संपट करता, कोई 28 दिन वाला करता, कोई होर आएगा तो कहता 6 महीने वाला करना, मेरा 6 महीने रुजगार चलता रहे। तो रोटियां कारण पूरे तालाब छड़े धरती नाल, ये सारा कुछ रोटियां कारण पेट कारण। कुछ एक बंदे वेलड़ ने, ये वेलड़ा का पंथ नहीं है, थानू लगे बुरा थानू लगे चंगा, यह हैगा घाल खाए के छत्थू दे नानक राह पछाने से, मखट्टू हो के कन्न पड़ाए फकर करे गुरपीस दाए। अगे अगली पंक्ति लिखे का मंगण जाए तो ताके मूल ना लागू पाए, गुरपीर सदाए मंगण जाए ताके मूल ना लागू पाए। तो यह तो गुरसिखा का किरत किरतियां का धर्म है, भाई लालो दे घरों गुरु नानक साहब ने रोटी खाधी, किरतियां का धर्म है। तो आप किरती बनीए, मैनू कई पुछते ने ऐसी की करिए, फिर मैं कई बार कह देना तो कई मैं गणती या फिर कहते असी की करिए, मैं तुम्हें किता गलत सुन लिया, किता ही नहीं है, तुम भी करो, तुम हाथ पैर दिते रब ने, तुम रोटी कमा के खाओ, कोई रक्षा चला लो, कोई दुकान पा लो, कोई खेती कर लो, कोई व्यापार कर लो, कुछ कर लो, बाणी पढ़ो अपने परिवार लिए अपने बच्चों लिए। तुम्हारी कृपा करे सानू समझ लगे, साढ़े तुम अपन खोरा ना लगे, सतगुरु सच्चे पातशाह सानू समत बख्शन। मेरा किसी को ला के कहन का कोई मतलब नहीं है, पर आप सच्चाई ते आईए, सच ते आईए, सच सबना हुए दारू पाप कड्ढे तो है, नहीं तो फिर महाराज ने लिखा कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करतार। तो दोनों में जरा मर्जी रस्ता चुन लो, कूड़ कूड़े ने लगा वाला जा सच सबना हुए दारू, मर्जी साड़ी है दारू वाला चुनना कि कूड़ियार बनना। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।